छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक बिल्डर ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके निर्माण पर बुलडोजर पटवारी ने एक हुन्नस निकालने के लिए चलवाया है। शहर में और भी कई जगह अवैध निर्माण है पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि दुर्ग कलेक्टर के अनुसार शहर में लगातार केवल अवैध निर्माण के खिलाफ ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। SDM द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने कुछ इलीगल प्लॉटिंग के संबंध में कार्रवाई की है, तो इसके विस्तृत जानकारी नहीं है, परंतु जो भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से अगर अवैध प्लॉटिंग होता है तो उसके खिलाफ निरंतर रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। विगत यहाँ कई वर्षों से प्लान हुआ, प्लॉटिंग हुआ है और यहाँ जो एक TNC से बढ़कर है, जो 30 फीट 40 फीट 50 फीट रोड है, ये यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे मकान भी बन चुके हैं और मकान भी भर रहे हैं। यहाँ रंजिश बस है, आप सभी को बताना ये चाह रहा हूँ, इसमें 60 गांठ के साथ हो रहा है, जिसमें यहाँ का मौजा सिकोला आता है, कमलेश सिंह राजपूत उनकी पुत्री पटवारी है और कमलेश सिंह राजपूत उनके अपसेंट में 3 माह तक यहाँ पर कोई किसान को ना B1 देते थे, ना नकल देते थे, ना डिजिटल करते थे। इनके 60 गांठ से इतना बड़ा हुआ,